अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत से कुछ लेटेस्ट अपडेट है। जैसे दोस्तों आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये कुवैत के अंदर 9 एशियन हैं जो कि फिलिपिनी और भी कई कंट्री के शामिल हैं, जिनको कुवैत का मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से छापा मारा गया, जहां पे ये लोग सोशल मीडिया के अंदर एक्टिविटी करते थे, लाइव आते थे या फिर वीडियो कॉलिंग वगैरह करते थे, जिनके बाद यानी कि वीडियो कॉलिंग के अंदर फोन वगैरह का फुल्ली एक्टिविटी करते थे, जिनके बाद इनको पकड़ लिया गया है। इनके साथ कई मोबाइल, कई लैपटॉप, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, इनके साथ पकड़ा गया है। तो दोस्तों जो लोग भी कुवैत के अंदर है, आपको बता दें कि कुवैत के अंदर अभी भी ज़बरदस्त छापामारी चल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के अंदर हो या फिर किसी ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, या फिर वायलेशन जिनका एकामा वगैरह ख़त्म हो गया है, एकामा एक्सपायर्ड है, उनको लेकर के भी किसी तरह का भी दोस्तों कुवैत के अंदर गैरकानूनी यानी कि वायलेशन करना अपराध है, जिनको लेकर के जो यहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ कुवैत है पूरी तरह से नज़र रख रहा है। जिनको भी इस तरीके से पकड़ा जाता है उनके ऊपर एक्शन, जो भी लीगल इनका एक्शन है उनके साथ इन्हें डिपोर्ट किया जाता है। इसलिए दोस्तों जो लोग भी कुवैत के अंदर रहते हैं इन बातों का ध्यान रखें। कुवैत से अगली अपडेट दोस्तों बता दें, कुवैत के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे 80% कुवैती बाली हो रहा है, उनके अलावा 20% एक्सपर्ट है गवर्नमेंट सेक्टर में। अरब टाइम न्यूज़ के अनुसार बताया गया है कि जब से कोविड-19 आया है, जो कुवैत का इकोनॉमिक सिस्टम है काफ़ी बुरा असर पड़ा है, जिनके बाद गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी कुवैती को ज़्यादा से ज़्यादा बहाली किया जा रहा है। और उनके अलावा बता दें कि जिनका भी टाइम पीरियड यानी कि 30 साल से ऊपर हो गया है उनको भी हटाया जा रहा है, उनके जगह पर कुवैती जैसन यानी कि इनका एक नाम दिया गया है कि कुवैती जैसन किया जा रहा है, कुवैती को बहाली किया जा रहा है, और जो भी प्रवासी है उनको दोबारा से यानी कि ज्वाइन नहीं किया जा रहा है। एक अपडेट के अनुसार बताया गया है कि 4,51,960 कुवैती जैसन को किया गया है यानी कि तब्दील किया। वहीं पे बता दें कि जो प्रवासी की संख्या है वो 89,827 नॉन कुवैती है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। तो दोस्तों ये भी एक बैड अपडेट है कि अभी गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा कुवैती का बहाली हो रहा है और एक्सपर्ट्स का वहाँ से छुट्टी हो रहा है। दोस्तों कुवैत से सभी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।